ऐसे टुकर टुकर क्या देख रहे हो? बहुत क्यूट लग रही हो। ऐसे बोल रहे हो जैसे पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मगर एक दो दिनों से रियल लाइफ में भी तो नहीं देखा। बस जिंदगी ट्रैफिक में ही गुजर रही है। खैर, तुमने नाश्ता किया? यस मैम, मेरे ऑमलेट में टमाटर ना डालने के लिए शुक्रिया। शर्मिंदा कर रहे हैं सर अब आप भी तो इस्तरी करना सीख गए। अच्छी क्रिस्प बनाई थी ना, एकदम स्ट्रेट और क्रिस्प। एक यही तो सीक्रेट है, हैप्पी वाइफ ते हैप्पी लाइफ। शराइजा, तुम बहुत क्यूट लग रही हो यार। बोल चुके हो। तुम ग्लो कर रही हो, ग्लो लग ही नहीं रहा कि सिर्फ दो हफ्ते से तुम 4 घंटे सो रही हो। बस ये 1-2 वीक और टफ है, उसके बाद पार्टी ही पार्टी। तुम बताओ, बिजी रहे आज? नहीं यार, कहाँ, सिर्फ 2 कॉल रहे, उसके बाद। अरे ये बताओ, ये कहाँ लगाऊं? आराम बता ना, ये यहाँ लगाऊं, ये जहाँ निकल। अरे आयशा बेटा, इतनी जल्दी चली गई, रुक जाती तो मुलाकात हो जाती ना। अम्मी, ऑफिस में काम ज्यादा था ना। हाँ वो तो दिख ही रहा है। अल्लाह, इतने डार्क सर्कल्स, कंसीलर ही लगा लेती। लगाया तो है। ग्लो तो कर रही है वो। अरे ऑफिस के तो काम होते ही रहेंगे, छुट्टी कर लेती ना। और इतनी जल्दी अपार्टमेंट फिर से चेंज कर लिया? मैं हूँ ना यहाँ पर, और वैसे भी ये काम मर्दों के ही होते हैं। रहने दो मियाँ, अगर तुम इस काबिल होते तो हमें नहीं आना पड़ता। आप लोगों को बुलाया किसने था? आप लोग तो खुदा है। पिछली बार की गलतियाँ याद है हमें। अम्मी अम्मी क्या, मेरी ज्यादा ना अम्मा बनने की कोशिश मत करो। और अगर अम्मा बनने का इतना ही शौक है ना, तो अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोचो। ठीक है बच्चे, निकत बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर तुम दोनों मियां बीवी इस तरह से अलग अलग रहोगे तो पिछले महीने के फॉल्स अलार्म भूले नहीं हम लोग। और मुझे लगता है कि आप दोनों हम दोनों को भूलने भी नहीं देंगे। फूड पॉइजनिंग किसी और को ही, और दिल हमारे टूटे। अरे यार, आप लोग यहाँ पे अपार्टमेंट सेट करना है ना, तो प्लीज उस काम पे फोकस कीजिए ना, क्योंकि हम लोग मिलकर आयशा को तंग करें, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आयशा, यू कंटिन्यू योर वर्क, गुड लक, लव यू बेब्स। बेशरम, दो दो माओं के सामने लव यू? बाजी, लगता है आज 1-2 घंटा यहीं पे फंसे रहेंगे। लेकिन अलमारियां सारी खाली हैं, अपनी चीज में कुछ भी नहीं है, ना कपड़े और ना ये बर्तन। मगर नवाब साहब का वर्क स्टेशन और खिलौने सजे हुए हैं बस। मम्मी, वर्क फ्रॉम होम के लिए ऑफिस स्पेस होना बहुत जरूरी होता है। आज मेरी 2 इंपॉर्टेंट कॉल हैं, तो प्लीज। तो भाई, इसकी अब्बा ने ऑफिस को घर बनाया हुआ था और इसने घर को ऑफिस। ये वाला अपार्टमेंट पहले वाले से बेहतर नहीं है? देखा, तुम्हें याद है उस अपार्टमेंट में हल्की सी बारिश होती थी, पूरे घर में सैलाब आ जाता था। गेस्ट रूम का बाथरूम याद है? मैं वजू करके जैसे ही बाहर आई, ऊपर से एक छत का टुकड़ा मेरे ऊपर गिरा। ओह लॉ, मैं तो डर गई थी। लॉ, मेरे भी जान निकल। जी, वो तो मैंने ईमेल पे किया है ना दोबारा। जी, ईमेल मिल गई मुझे, लेकिन ईमेल के साथ अटैचमेंट नहीं है। मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ कुछ लोग टफ डेज को टैकल कर लेते हैं। तुमसे नहीं हो रहा। लिसन, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई मीन तुम्हारे प्रमोशन के बाद आई सी यू स्ट्रगलिंग। आई एम नॉट स्ट्रगलिंग। या I mean, you're stressed. I'm not stressed. ये बटन बंद कर लूँगा, इस हुई में मीटिंग करोगे? कोई मसला नहीं है, ये बटन कौन बंद करता है? बाल देखे तुमने अपने सारे। मैं मीटिंग शुरू होने वाली है। मीटिंग शुरू हो गई। चलें, good, good. Oh, he's here. Hello. So without any further delay, I think we should start the meeting. As you all know, I'm Ibad from client servicing. This is Mars and this is Anam from the brand team. और मैं हूँ। Then, गोभी के पराठे खाओगे?
एक तो नई नई शादी हुई है एंड यू नो हाउ पीपल आर, ऑटोमेटिकली कभी भी कोई गलती होगी तो वो यही बोलेंगे शादी के बाद डिस्ट्रैक्टेड रहने लगी है, घर जल्दी भाग जाया करती है एंड व्हाट नॉट। मैं 2 हफ्ते से ओवर टाइम कर रही हूँ। या आई नो दैट, बट यू नो लोग लॉयल्टी से ज्यादा गलतियों पे फोकस करते हैं। वियर्ड। आप क्या चाहिए? सॉरी गाइस, उस रूम में थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था। यस अनम, प्लीज कंटिन्यू। ज़ेन, घर में कुछ मीठा है खाने को? आपको शुगर है, खुदा का खौफ करें। यस आई है। ज़ेन, बताओ कौन सी पेंटिंग अच्छी लगेगी, ये या ये? ये ग्रीन वाली? ये ग्रीन? यस यस। हाँ, ये मैच करेगी। ठीक है। Then, should we do this another time? Zen, ये कलर तो बता दो, ये शेड कार्ड तो देखो। So sorry guys, so sorry. Zen, ये मैंने आलू के पराठे बनाए, जरा खा के तो बताओ नमक कैसा है। अरे खाओ ना। बहुत अच्छा बनाती है आंटी। Zen, मुझे याद है वो। No, no, I totally agree with you. I understand your point. आप लोगों को समझ नहीं आ रही मेरी मीटिंग चली है। नो, प्लीज ना, तू किया यार। चलो सीमा के घर चल के मीठा खाते हैं। हम जा रहे हैं। नाराज हो जाऊंगा दोनों से। आप इतनी बात तो सुने यार। हम बिना रास्ते थे, तुम मीठा नहीं खाने के। सलाम अलैकुम आंटी। पराठा भी नहीं खाया तुमने? खाया हम लोग। तुमने नो सुनते हुए। आई नीड अ ब्रेक। बजट मीटिंग कल है, सो वी नीड टू सी दोज नंबर्स, ओके? कल शाम? हो यू टू क्यूट। कल सुबह 9 बजे हो जाएगा ना? क्या हुआ, आई मीन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? डैमेज कंट्रोल की ज़रूरत तो नहीं है? रिलैक्स, हो जाएगा। ओके। Aiza, do you need any help? Nahi. Ho jayega. Are you sure? Goodbye, Farkanda. Okay. Good luck. Hello. Hi. Nikal gayi office se? Nahi, wo kya hua? Wo last minute pe kaam aa gaya hai. Help chahiye? Nahi nahi. Wo main keh rahi thi ke डिनर हम कल या परसों रख लें। ओके, नो वरीज। आर यू श्योर? 100%। तुम नाराज तो नहीं हो ना? तुमसे नाराज होके कहाँ जाऊंगा? बस ये वीक थोड़ा डिमांडिंग है, इसके बाद प्रॉमिस ऐसा कुछ नहीं होगा।
कोई टेंशन नहीं है, तुम काम पे फोकस करो, पार्टी फिर कभी कर लेंगे। तुम बहुत अच्छे हो जैन। आई नो। बाय। लग रही हो? ये मेरा ओवरटाइम का ग्लो है। ऑफिस की गाड़ी थी ना, वो घर ड्रॉप कर देती। मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ, लेकिन हम यहाँ से घर नहीं जा रहे। ज़ैन, मैं इस हालत में फैंसी डिनर पर नहीं जा सकती। मीठा? खीर। आज खाना खा के तो मजा आ गया। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। रही? बताओ बताओ। अगर ऐसे ही बता दिया सरप्राइज थोड़ी ना रहेगा। मगर मैं हिंट देता हूँ तुम्हें, हम दोनों ओवरवर्क हैं। मैं अम्मियों को बेबीसिट कर करके थक चुका हूँ और तुम ऑफिस का काम कर करके। आई थिंक पार्टी। थिंक बिग। हार मान। तुम बताओ। आईज क्लोज। बिजली का बिल है इसमें। बिजली का बिल? सॉरी, आई थिंक गाड़ी में रखा है, मैं अभी लेकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं जाने की, वैसे भी हम घर ही जा रहे हैं ना, तो गाड़ी में बात कर लेंगे। नहीं ना, मुझे सरप्राइज देना। शट अप फरखंदा। इमन, तुम्हें पता है ज़ैन ने वेकेशंस के लिए मोरक्को प्लान किया। हमें हनीमून पर लास्ट मंथ ही चला जाना चाहिए था, मगर अपार्टमेंट फिर से बदलने में टाइम लग गया और हमारा ऑफिस एक ब्रेक ही लेने नहीं देता। इससे पहले कि हमारी कहानी का सीजन 5 आए, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इट्स हनीमून टाइम। आयजा जान। नहीं, आबिद जान, जहाँ हम जा रहे हैं। You mean? अज़रबैजान? नहीं, जान, आबिद जान। तुम्हारे कजन का नाम है? नहीं, शहर है अफ्रीका का एक, आबिद जान। वल्लाह मजे करेंगे। हाय एवरीवन, यह है सुगना खान और ये है फराज फारूकी। वेलकम टू जस्ट मैरिड सीजन 2। आई होप यू लाइक द फर्स्ट एपिसोड। आप ही लोग बताएं कि आबिद जान हनीमून डेस्टिनेशन के लिए बेस्ट जगह नहीं है? वरना आयजा और ज़ैन इसके अलावा और कहां जा सकते हैं? सीजन 2 की सेकंड एपिसोड आ रही है 10th ऑफ दिसंबर को। टिल देन शेयर द एपिसोड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड स्टे ट्यून्ड टू टीवी।